हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़ नाउ आफ्टर क्रैप साइकिल नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल टेक ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ठीक है क्रैप साइकिल में हमारे पास क्या बाय प्रोडक्ट बना वी गॉट एन एंड एफ टू राइट ठीक है इसमें जितनी भी एनर्जी होती है उसको यूटिलाइज करते हैं किस स्टेप के थ्रू दीज टू स्टेप ई टी एस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन ओके एज यू नो क्रैप साइकिल कहाँ पर होती है इट टेक्स प्लेट इन दी माइट्रोकॉन्ड्रिया माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी किस में होती है मैट्रिक्स के अंदर ये होती है ठीक है तो क्रैप साइकिल में हमारे पास क्या बन रहा है एन ए डी एच एंड एफ ए डी एच ओके तो ये क्या होते हैं दीज टू प्रोडक्ट दे गेट ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है दे आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिलीज द एनर्जी टू मेक द ए टी पी मॉलिक्यूल यानी यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसकी वजह से ए टी पी फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेटिव फॉसफो रेशन ओके फाइन तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये हाइड्रोजन जो है दीज आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ए टी पी ओके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है दिस इज होल स्ट्रक्चर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया ये माइट्रोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है ठीक है यहाँ पे आप देखिए दिस वन दिस होल कॉम्प्लेक्स दिस वन दिस इज कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन इसको क्या बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन फिर इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड द इंटर मैमब्रेन स्पेस इंटर मैमब्रेन स्पेस एंड दिस वन इज कॉल्ड आउटर मैमरेन इसको क्या बोलते हैं आउटर मैमरेन तो ये इन जो होती है ये इस इनर मैम्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होती है किसमें प्रेजेंट होती है इनर मैमरेन में प्रेजेंट होती है एंड दिसव कॉम्प्लेक्स दैट इज ने कॉम्प्लेक्स वन दू कॉम्प्लेक्स थ्री कॉम्प्लेक्स फोर एंड कॉम्प्लेक्स फाइव चलिए अभी देखते हैं कैसे ये साइकिल होती है और कहाँ कहाँ ये कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं ओके सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आता है ये एन आता है और इससे क्या होता है ये एन में कन्वर्ट होता है विद दी हेल्प ऑफ एन एनजाइम कॉल्ड एज दी एन ए कौन सा एनजाइम है एन ए ठीक है इस एंजाइम की हेल्प से ये एन प्लस में कन्वर्ट होता है और यहाँ से दो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं एंड दिस हाइड्रोजन फर्स्टली गिवन टू एफ एम एन मोलिक्यूल ठीक है इसके पास जाता है एफ एम एन के पास जैसे ही हाइड्रोजन जाता है ये क्या करता है इस हाइड्रोजन को आगे पास करा देता है और रिलीज़ कर देता है किसमें दिस इंटर मैम्ब्रेन स्पेस ठीक है आउटर और इनर मैम्बरेन के बीच का स्पेस है दिस इज़ कॉल्ड दी इंटर मैम्बरेन स्पेस इसमें रिलीज़ करता है और बाकी का जो इलेक्ट्रॉन है उसको आगे पास करा देता है किसके पास एफ ई एस के पास ठीक है एफ ई जो होता है यहाँ पर ये दो फॉर्म में पाया जाता है एफ ई टू प्लस एंड एफ ई थ्री प्लस ओके इनिशियली ये एफ ई टू प्लस स्टेट में होता है जैसे ही उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है ये एफ ई थ्री प्लस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है फिर अगेन ये आगे इलेक्ट्रॉन पास ऑन करता है तो वापस एफ ई टू प्लस में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन किसको पास होते हैं इट इज़ गिवन टू कॉम्प्लेक्स दैट इज मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड द यूबिक्विन ठीक है यूबिक्विन के पास में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ जाता है ये क्या होता है नाउ इट हैज गेन द एबिलिटी टू गेट बाइंड और टू एक्सेप्ट द हाइड्रोजन आल्सो मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड होने के बाद ये हाइड्रोजन के साथ भी बाइंड होने की कैपेसिटी रखता है तो अब इसके पास दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के आते हैं किससे आते हैं एफ से ठीक है FEDH, तो अगेन ये एफ प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और यहां से दो हाइड्रोजन इसके पास आ गए ठीक है यहां पे ये यह हो गया एफ ए डी एच टू डी जैसे ही इसके पास आया अब ये किस में कन्वर्ट हो गया यू क्यू एच टू में कन्वर्ट हो गया फाइन रिड्यूस हो गया बट ये क्या करता है यहाँ से अगेन दो हाइड्रोजन रिलीज़ करता है और आगे उसको इंटर मैमब्रेन में पास ऑन करा देता है इंटर मैम्बरेन में पास ऑन कराने के बाद फर्दर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं ये किसको दे दिए जाते हैं साइटोक्रोम बी को पास करा दिया जाता है किसको साइटोक्रोम बी को साइटोक्रोम बी अगेन ये क्या करता है इस इलेक्ट्रॉन को किसे पास कराता है एफ ई एस एफ यर्दर ये इलेक्ट्रॉन किसे देता है अगेन वन मॉलिक्यूल ऑफ यूबिक्यूनॉन ठीक है यूबिक्यूनॉन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया उसके पास कैपेसिटी आई एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करने की जो कहाँ से मिलता है उसको मैट्रिक्स से ये क्या होता है रिड्यूस हो जाता है यू क्यू एच टू में ओके okay? रिड्यूस हो गया रिड्यूस होने के बाद आई एम जस्ट रबिंग दिस वन फर्दर क्या करता है दो हाइड्रोजन अगेन इंटर मेम्ब्रेन में रिलीज करता है और यहां से ये इलेक्ट्रॉन को पास करता है किसके पास साइटोक्रोम सी वन किसके पास साइटोक्रोम सी वन ओके साइटोक्रोम सी से दिस इलेक्ट्रॉन गेट पास टू साइटोक्रोम सी एक्चुअली ये साइटोक्रोम सी जो है इट एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर प्रोटीन इन बिटवीन साइटोक्रोम सी वन एंड साइटोक्रोम ए ए थ्री ठीक है इन दोनों के बीच में एक मोबाइल कैरियर प्रोटीन की तरह काम करता है तो ये फर्दर इस इलेक्ट्रॉन को किसे कॉम देता है साइटोक्रोम ए ए थ्री कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं ठीक है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन फाइनली एक मॉलिक्यूल के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया जाएगा दैट इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ये सब मिलकर क्या बना लेते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं समझ में आया फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू एक्सेप्ट हो रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के थ्रू एक्सेप्ट हो रहा है और कन्वर्ट किस में हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है एक और चीज़ यहाँ पे जब ये यूबिक्यूनॉल रिड्यूस फॉर्म में नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं यूबिक्विनॉन ठीक है यूबी जब ये रिड्यूस हो जाता है तब ये तब हम इसको बोलते हैं यूबी क्विनॉल ध्यान रखना ओके रिड्यूस फॉर्म इज कॉल्ड यूबिक्यूनॉल नहीं होता है तो यूबी क्वीनॉल ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक पूरा ईटीएस बताया अब हम बात करते हैं यहाँ पे कहाँ-कहाँ क्या प्रेजेंट होता है साइट ये कॉम्प्लेक्सेस कहाँ-कहाँ प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ठीक है सो दिस इज दूबी क्यूनॉन के पास आया दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स टू ओके फाइन iske baad cytochrome b and cytochrome c1 this cytochrome b and cytochrome c1 this one cytochrome b c1 complex and it is also called as the complex 3 clear okay and this last one that is the cytochrome a a3 this is called the complex 4 समझ में आए कॉम्प्लेक्स कौन कौन से कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स थ्री एंड कॉम्प्लेक्स फोर लास्ट में अब ये हो गया ठीक है यहाँ तो को हो गया अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फाइव कहाँ है कॉम्प्लेक्स फाइव भी यहीं प्रेजेंट है बट यहाँ देखो अभी क्या हुआ इंटर मेम्ब्रेन में ये सारे हाइड्रोजन कलेक्ट हो गए सारे हाइड्रोजन कलेक्ट होने की वजह से क्या हुआ इंटर मेम्ब्रेन में तो हाइड्रोजन का अमाउंट या कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू मेट्रिक्स तो इसकी वजह से क्या हुआ यहाँ पे एक प्रोटोन ग्रेडियंट बन जाता है हाइड्रोजन कॉल्ड एज प्रोटोन क्या बन जाता है एक प्रोटोन ग्रेडियंट बन जाता है जिसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड दी प्रोटोन मोटिव फोर्स क्या फोर्स होता है प्रोटोन मोटिव फोर्स ओके तो यानी कि अब ये फोर्स क्या करेगा इस हाइड्रोजन को बोलेगा कि वापस मैट्रिक्स में जाओ और इक्वेब्रियम को मेंटेन करो क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ हाई कंसंट्रेशन रहे और यहाँ पे लो रहे उसको मेंटेन करना पड़ेगा सो ये हाइड्रोजन को वापस मैट्रिक्स में जाना है बट अब ये हाइड्रोजन ईजिली ऐसा नहीं जा सकते हैं इसके ये किसी एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू ही वापस मैट्रिक्स में जा सकते हैं एंड दैट चैनल कौन सा होता है कॉम्प्लेक्स फाइव का होता है ठीक है तो चलिए यहां पे मैं बनाती हूं कॉम्प्लेक्स फाइव दिस इज कॉम्प्लेक्स फाइव इस कॉम्प्लेक्स फाइव में दो पार्ट होते हैं ओके इस कॉम्प्लेक्स फाइव में दो पार्ट होते हैं वन इज कॉल्ड द एफ वन दिस इज हेड पीस And this is the base stalk that is the F naught or F0. Okay, I'm rubbing this one also. This is called the complex 5. अंडरस्टूड ठीक है तो अब क्या होगा ये सारे हाइड्रोजन इस कॉम्प्लेक्स फाइव में एफ नोट से एंटर करेंगे और वापस मैट्रिक्स में आ जाएंगे ठीक है अब एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने की है दो हाइड्रोजन से कितने एटीपी जनरेट होते हैं एक एटीपी जनरेट होता है फाइन तो यानी कि हर टू हाइड्रोजन से एक ए जनरेट होता है अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है हमेशा एन से थ्री ए जनरेट होते हैं और एफ से टू ए जनरेट होते हैं क्यों बिकॉज देखिए एन जब एंटर कर रहा है इस ई में तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रिलीज हुए टू टू एंड टू यानी थ्री ए टी पी बन गए बट जब एफ ए डी एच टू एंटर करता है तो ये ऊपर का साइकिल तो नहीं है यहाँ से अब ये साइकिल स्टार्ट हो रहा है एफ ए डी एच मतलब चेन स्टार्ट हो रही है तो अब यहाँ से कितने हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं टू टाइम्स तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ दो ए टी पी ही बनते हैं एफ ए डी एच टू में और एन ए डी एच से सिर्फ तीन थ्री ATP ही बनते हैं अब ये सारे हाइड्रोजन कहाँ आते हैं यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाते हैं और प्रोटोन मोटिव फोर्स की वजह से या हेल्प से ये सारे हाइड्रोजन कहाँ यहाँ से पास ऑन होने लगते हैं जैसे ही हाइड्रोजन मैट्रिक्स में, में आता है इसके थ्रू एक एनर्जी जनरेट होती है और उस एनर्जी की वजह से एक ए डी पी अलॉन्ग विद फॉस्फेट क्या एक ए डी पी फॉस्फेट के साथ मर्ज करके क्या बनाता है ए जनरेट करता है ठीक है तो ऐसे ही हर बार दो हाइड्रोजन आएगा एक एटीपी जनरेट होगा तो इस वजह से जितने भी एटीपी जनरेट होंगे वो मैट्रिक्स के अंदर ही जनरेट हो रहे हैं ठीक है तो दैट इज वाई माइट्रोकॉन्डिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल क्योंकि इसके अंदर ही सारे ए जनरेट हो रहे हैं वो फिर बाद में सेल को देता है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ठीक है सो आई होप दिस इज क्लियर एंड वन मोर थिंग इसको ही हम बोलते हैं कीमो ऑस्मोटिक थियोरी क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम हाइड्रोजन का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन वापस जा रहा है मैट्रिक्स में दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कीमो ऑस्मोटिक थियोरी समझ में आया एक और चीज़ जैसा कि मैं आपको क्रैप साइकिल में बताया बैलेंस शीट में टोटल कितने मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं दैट इज़ दी थर्टी एट ए टी पी जनरेट हो रहे हैं टोटल एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से बट ये थर्टी एट ए टी पी प्रो कैरियोट्स में तो कम्प्लीटली थर्टी एट ही होते हैं बट यू कैरियोर्ट्स में ये थर्टी सिक्स होते हैं क्यों बिकॉज जब यू कैरियोर्ट्स में ग्लाइकोलिसिस होता है ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है साइटोप्लाज्म में होता है ठीक है तो साइटोप्लाज्म में जो एन ए डी एच जनरेट होते हैं उसको भी वापस कहाँ जाना होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जाना होगा तभी वो ए बना पाएगा क्योंकि ये पूरा सिस्टम तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में है तो उसको यहाँ तक ट्रैवल या यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने में दो ए क्या होते हैं यूटिलाइज़ हो जाते हैं दैट इज वाई यू कैरिर्ट्स में सिर्फ थर्टी सिक्स ए टी पी जनरेट हो रहे हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बट प्रो कैरिया में सिर्फ प्रो कैडियोर्ट्स में कम्पलीट थर्टी एट ए टी पी जनरेट हो रहे हैं ओके सो आई होप दिस होल ई टी एस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वन प्लीज़ बुट यूर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो